नमस्कार दोस्तों, इस समय मौजूद है सुल्तानपुर के ओवर ब्रिज पर। आज यहाँ पे रावण दहन होने वाला है। आप वीडियो के माध्यम से देखेंगे आज यहाँ पे रावण दहन होगा। तैयारियां पूरी हो चुकी है, प्रशासन काफी हाई अलर्ट पे है। कैमरामैन से कहेंगे रावण की तरफ तस्वीरें करें, क्योंकि तैयारियां पूरे जोर शोर पे, बस कुछ ही चंद सेकेंड में ये रावण का दहन यहाँ होगा, जो कि राम की सेना करने वाली है। राम की सेना आपको बता रही कि सामने से आने वाली है, जहां से प्रशासन भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात की गई है, साथ में आपके सुल्तानपुर के एसपी, और साथ ही आपको दिखाएंगे कि पूरे दुर्गा पूजा की समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश प्रसंगी भी उपस्थित है, क्योंकि रावण पूरी तरह से तैयार हो चुका है। आप देखेंगे बस चंद ही सेकेंड में इस रावण का यहाँ दहन होने वाला है। मात्रा में पुलिस बल तैनात है, वीडियो माध्यम से देखेंगे। और जो दो साल कोरोना काल में नहीं हुआ था, आप उस भीड़ को अंदाजे लगाएंगे कि कहां तक भीड़ लगी है, क्योंकि कैमरामैन के साथ अपने जूमिंग करेंगे कितना हाई अलर्ट में प्रशासन लगा है, चारों तरफ से प्रशासन है, रावणपुर तरफ से पूरा तैयार है। कैमरामैन भोलू झा अनिल के साथ मैं रिपोर्टर भोलू जाएंगे सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश न्यूज। रावण जी इधर देख, दूर है दूर है दूर है, काशी आगे बढ़िए तुरंत। Yeah.
लोगों के पूरे लोग रोजा रहते हैं क्योंकि कल रात को तीन दिन छुट्टी हो चुकी है, उसके बाद आज रावण दहन भी हो चुका है। हमारे यहाँ पे है वो पूरे कार्यक्रम की जो केंद्रीय पूजा समिति सूचना है उसकी पूरी बात उनके हाथ में है। साथ ही हमारे प्रकाश अधिकारी मौके मौजूद है और बड़े हर्षोल्लास और सुरक्षा के साथ ये मौका मनाया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ सब कुछ बहुत ही अच्छी संपन्न होगा। मंचले कहलते उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? मंचले जो कहलते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? बस व्यवस्था आप देख सकते हैं, हमारी एक अलग सी महिला पुलिस फोर्स की अलग सब डॉक्टर यहाँ पे डिप्लॉय की गई है जिसकी पूरा जिसकी नेतृत्व कर रही है सीओ साहब के डिप्रेशन में किसी जो महिला थाना। इसके अलावा जितनी भी एंटी डोपिंग स्क्वाड है 24 घंटे के लिए एक्टिवेट कर लिया गया है। अब से लेकर विसर्जन तक मतलब 10वीं 11वीं तक लगातार ये टीमें लगातार अपनी काम करती रहेगी।